भालू के हमले से वृद्ध हुआ घायल, लकड़ी और चादर की झोली में लटकाकर पहुंचाया मुख्य मार्ग तक। पन्ना जिले के धर्मपुर थाना अंतर्गत ग्राम पपरिया के रहने वाले एक वृद्ध के भालू के हमले से घायल होने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वृद्ध के परिजनों ने बताया है कि गया पाल लगभग 60 वर्ष निवासी ग्राम पपरही थाना धर्मपुर रोज की भांति जंगल में बकरी चराने गया हुआ था, तभी अचानक पीछे से आकर खूंखार भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। भालू से बचने के लिए भागने के प्रयास में गयापाल जंगल में गिर गया, जिसके बाद भालू ने गयापाल के शरीर में जमकर अपने नाखूनों और दांतों से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के शोर को सुनकर आसपास के अन्य पशु चारक मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर भालू भाग गया, जिसके बाद घायल को किसी तरह घर लाया गया। घटना के बाद सड़क नहीं होने की वजह से घायल बुजुर्ग को लकड़ी और चादर से झोली बनाकर कंधों पर लटकाकर लगभग 3 किलोमीटर कुछ ग्राम कुछारा तक लाया गया, जहां से किराए की गाड़ी से जिला अस्पताल पन्ना पहुंचाया गया, जहां वृद्ध का इलाज जारी है। जंगल में गए थे छेरी चराने, सो भालू ने हमला किया, सो पाछे का पछला है, सो गिर पड़े। भालू ने हमला किया है तो कहां कहां चोट आई है? हाथ में और पैर में और पखौरा में। फिर कैसे इनकी जान बची, कैसे बची ये भालू? ऊपर से नीचे गिरे हैं, अभी आप ये नहीं जान सकते, भगवान ने बचाई है, देखा नहीं है। तो भाग गया था भालू हमला करके इनके ऊपर? भाग गया था, गिर पड़े हैं टेरन के मारे। तो जंगल गए थे ये? जंगल गए थे बकरी चराने। कहाँ पे? वहाँ दूर ही घाट में जंगल में। क्या नाम है इनका, कहाँ के रहने वाले हैं?